हेलो फ्रेंड्स, टीम यश विज्ञान की ओर से आप सभी दोस्तों को अपनी इस दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, रुक करते हैं हम अगले सेशन का, और ये सेशन होगा हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश के सेशन का टॉपिक है जंबल्ड सेंटेंसेस, जिसमें आपको करना क्या होगा दोस्तों, 6 सेंटेंसेस आपको लिखे रहेंगे और आप वो सेंटेंसेस सीक्वेंस में फॉर्म नहीं होंगे प्रॉपरली। आपको क्या करना है कि उन सेंटेंसेस की हेल्प से ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक मिशन स्टार्ट किया है, मिशन जुनून, जिसके अंदर हम एक एक्सेसिबिलिटी इशू को लाते हैं, और वो ऐसा इशू होता है जिसे हम चाहते हैं कि गूगल जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दे, ठीक है। तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप वो पिटिशन जरूर साइन कीजिएगा। आई होप मेरी रिक्वेस्ट जरूर पूरी की जाएगी, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं ये सेशन। डायरेक्शन में लिखा हुआ है, रीअरेंज द फॉलोइंग 6 सेंटेंसेस in the proper sequence to form a meaningful paragraph. Now friends, पहले हम शुरू करते हैं 6 sentences, उसके बाद हम आपको बताएंगे sequence क्या होगा, और उसके बाद कौन कौन से questions लिखे हुए हैं, और इसके बाद तो आप फटाफट answer दे पाएंगे, ठीक। First sentence, but following these instructions is virtually impossible for many people living in slums. Second sentence, many waterborne diseases like cholera and diarrhea are caused by drinking contaminated water. Third sentence, this is not a light matter. The relevant authorities must take steps and ensure provision of safe drinking water to people. Now, fourth sentence, drinking 2 to 3 liters of water every day is essential to stay healthy. Next sentence, because of broken and unkempt pipelines, sewerage water gets mixed into potable water supply lines. Now, last sentence here, friends, people are compelled to drink contaminated water which possesses a serious threat to their health. ठीक, now अब हम sequence बताते हैं आपको। First जो sentence है वो कौन सा है, fourth sentence will become first sentence after rearrangement. Now second, first sentence, second sentence बन गया, ठीक। अगर हम फोर्थ सेंटेंस को डी कहते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस को हम ए कहते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा बना, डी, और सेकेंड सेंटेंस बना आपका ए। अच्छा, थर्ड सेंटेंस बना सिक्स सेंटेंस यानी एफ, और फोर्थ सेंटेंस बना फिफ्थ सेंटेंस यानी ई, तो इससे फॉर्म क्या हो गया, डेफ, ठीक, डी ए एफ ई। ये हैं फर्स्ट टू फोर्थ सीक्वेंसेस, और लास्ट टू सीक्वेंसेस हैं बीसी, यानी जो फिफ्थ सेंटेंस है वो बना आपका सेकेंड सेंटेंस, और जो सिक्स सेंटेंस है वो आपका बना थर्ड सेंटेंस, ठीक है। यानी सीक्वेंस क्या बना, डेफ बीसी, ठीक। नाउ फ्रेंड्स, अब आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा कि क्वेश्चन क्या है, कब क्वेश्चन आए और कब आप उसको आंसर करें, है ना, यही सोच रहे हैं ना आप। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रुक करते हैं क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन, विच इज द थर्ड सेंटेंस आफ्टर री अरेंजमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिक्स सेंटेंस यानी एफ विल बिकम द थर्ड सेंटेंस आफ्टर री अरेंजमेंट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, Which is the sixth sentence or the last sentence after rearrangement? Yes, friends, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Sentence third or C is the last sentence after rearrangement. Third question,
Which is the first sentence after rearrangement? Very good. Fourth sentence will become the first sentence after rearrangement. It means D. Next question. Which is the fourth sentence after rearrangement? Excellent. Fifth sentence or E will become the fourth sentence after rearrangement. Now, our friends, hum aa gaye hain apne last question pe, jo ki is tarike se hai. Which is the second sentence after rearrangement? Yes, first sentence or A is the second sentence after rearrangement. Dekhiye friends, aapne kitni jald se jald in sare questions ka answer de diya, hai na? To chaliye friends, isi sawal ke saath ye session yahin par hota hai khatam. Hame aasha hai कि आपने जरूर उस रिक्वेस्ट को मानेंगे जो हमने पहले कही है आपसे. और साथ ही फ्रेंड्स, हम आपसे दो मेजर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप एक तो इस सेशन को खूब एंजॉय कीजिएगा और साथ ही आप लोग इस सेशन को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना. इस छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी से एक बार फिर कहना चाहेंगे, दिल से प्यार भरा नमस्कार.